हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑटोटेक इन्फो। मैं हूं आदित्य एंड आज मेरे पास जो मोटरसाइकिल खड़ी हुई है वो मतलब इतने ज़्यादा फीचर्स ऑफर कर रही है इस प्राइस पॉइंट पर कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एक प्रीमियम बाइक के सारे फीचर्स यहां पर मिलते हैं। यानी कि अपने पास है टीवीएस अपाचे RR 310 जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी। यहां पर आपको मतलब इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं एंड एक प्रीमियम फीचर्स आपको मिल रहे हैं जो कि बड़ी बड़ी आपको बाइकों में यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको नए अपडेट्स मिलते हैं, नए फीचर्स मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं कि टीवीएस अपाचे RR 310 के इस नए कलर, यानी कि अपने पास जो कलर खड़ा हुआ ये भी एक नया कलर है, बॉमर ग्रे कलर, इसके अंदर में क्या कुछ आपको फीचर्स मिलते हैं, क्या आपको इसकी प्राइस मिलती है, कितनी आपके लिए सही रहने वाली है, ओवरऑल साइज और डिटेल के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे इस बाइक से रिलेटेड। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस मोटरसाइकिल की पूरी लुक को देखिए। अपने सेगमेंट में इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है बाइक, मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये जो बॉमर ग्रे कलर है ना, ये भी इसके ऊपर में बिल्कुल नया आया हुआ है, तो देखने में ये भी काफ़ी सही लग रहा है। डार्क ग्रे फिनिश यहाँ पर आपको मिलती है। सबसे पहले अगर आप चेकआउट करो तो कुछ ऐसा आपको डिज़ाइन वगैरह मिल जाता है। एंड ये बाइक के अंदर में, यानी कि इस वाली बाइक के अंदर में आपको डायनेमिक किट वगैरह नहीं मिल रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आपको RT LSC की बैजिंग मिल जाती है, यानी कि रेस ट्यून्ड विद लीनियर स्टेबिलिटी कंट्रोल। वहाँ पर आपको RT DSC मिलती है, जिसमें आपको 6 फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जो कि आपको डायनेमिक प्रो किट के अंदर मिलते हैं। तो इस चीज़ का आपको डिफरेंस मिलता है इस वाले वेरिएंट के अंदर में। एंड फ्रंट में यहाँ पर आपको 300mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, उसी के साथ में 110/70 सेक्शन का टायर मिल जाता है, 17 इंचेस के रेड कलर के अलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड गोल्डन कलर के आपको USD सस्पेंशन भी फ्रंट में मिल जाते हैं। बाकी ये ग्रे कलर पूरे के अंदर आपको मिल जाता है, उसी के साथ में रेडिएटर वगैरह मिलता है। तो फ्रंट से मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एंड देखने में तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। एंड अब इस मोटरसाइकिल के अंदर में टीवीएस ने इतना ज़्यादा काम किया है, इतने अच्छे अच्छे फीचर्स दे दिए हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जैसा कि जो बड़ी बड़ी सेगमेंट की बाइकें होती हैं उनमें जो चीज़ें मिलती हैं वो अब यहाँ पर मिलती हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ चल के, यहाँ पर अब आपको विंगलेट्स मिल जाते हैं जो कि आपको कंपनी फिटेड ही मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये 3 kg का डाउन फोर्स क्रिएट करते हैं। अब ये कितनी स्पीड में करते हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बट लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको फ्रंट में फुल LED हेडलैम्प सेटअप वगैरह मिल जाता है, बड़ी सी विंडशील्ड आपको मिलती है, साइड में पूरा पाचे लिखा हुआ मिल जाता है। एंड यहाँ से आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि यहाँ पर आपको क्लियर कवर मिल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी बाइकों में मिलता है, लेकिन यहाँ पर TVS बजट के अंदर में दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको मतलब इंजन चलते हुए दिखाई पड़ेगा एक तरीके से, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड यहाँ पर टैंक वगैरह आप देख सकते हो, काफ़ी मस्कुलर लगता है। इस तरफ से मैं आपको दिखाऊं तो ये जो वेरिएंट खड़ा हुआ है अपने पास, ये विदाउट क्विक शिफ्टर वाला, यहाँ पर आप अगर चेक करो तो यहाँ पर विंगलेट्स आपको मिल रहे हैं एंड क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, उसी के साथ में आपको ट्रांसपेरेंट क्लच कवर मिल रहा है। तो मतलब ये जो चीज़ें मिल रही ना, ये चीज़ें स्टैंडर्ड हैं। भले ही आप ये वाला वेरिएंट परचेज करिए या फिर डायनेमिक प्रो किट वाला परचेज करिए, ये चीज़ें आपको स्टैंडर्ड मिलेगी, जो कि काफ़ी लोगों के मन में डाउट है कि आप अगर विदाउट क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट लोगे तो ये आप ये चीज़ें मिलेंगी कि नहीं। तो आप देख सकते हो बाकी ओपन चेनसेट कवर मिल जाता है, टायर अगर मडफ्लैप मिल जाता है, उसी के साथ में रियर में आपको 240mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है। एंड अगर आप चेकआउट करिए तो रियर में जो टायर सेक्शन है वो आपको 150/60 सेक्शन का मिलता है, 17 इंचेस के लेवल के साथ में। एंड यहाँ पर आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिल जाता है। इसका ये फायदा है कि आप मतलब विदाउट क्लच को प्रेस करे हुए डाउन शिफ्ट एंड अप शिफ्ट दोनों कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है एंड काफ़ी आपको हेल्प देता है जब आप राइडिंग करते हो, स्मूथनेस आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। एंड साइड स्टैंड मिल जाता है आपको इंजन कट ऑफ के साथ में। बाकी यहाँ पर आप फ्रेम वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, रेड एंड ब्लैक फिनिश के अंदर में आपको मिलता है। एंड रियर से ये मोटरसाइकिल इतनी सही लग रही है मेरे को कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आप देखो तो इसकी जो टेल लैंप है काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव एंड काफ़ी शार्प डिज़ाइन की मिलती है। एंड नंबर प्लेट की लाइट आपको LED के अंदर मिल जाती है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल टाइप के दे रखे हैं जिसको आप पकड़ के बैठ पाओगे। बाकी RR 310 बाकी ग्राफिक्स वगैरह मिल जाते हैं। एंड एग्जॉस्ट आप देखो तो काफ़ी सही लगता है देखने में। उसी के साथ में रियर का आपको इधर से भी दिखा दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इसके अंदर मिल जाता है रियर में 150/60 सेक्शन का टायर 17 इंच अलॉय व्हील के साथ में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको यहाँ पर डुअल चैनल ABS तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ अगर आप चेकआउट करते हैं तो यहाँ पर इस तरफ से अगर आप देखो यहाँ पर ओपन में यहाँ पर आपको मफलर वगैरह मिल जाते हैं, सिल्वर फिनिश मिल जाती है, उसी साथ में एल्यूमिनियम बेस्ड आपको फुटपैक्स वगैरह मिल जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी एंड जो मतलब चीज़ें हैं ना यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम आपको फील होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर ओवरऑल जो लुक है, डिज़ाइन है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मोटरसाइकिल के अंदर में आपको जो इंजन मिलता है वो आपको मिल जाता है 312.2 cc का एक लिक्विड कूल 4-valve 4-stroke रिवर्स इंक्लाइन इंजन, जो कि आपको 38 PS का पावर देने वाला है 9 Nm टॉर्क के साथ में। तो एक पावरफुल इंजन यहाँ पर कंपनी ने इसके अंदर प्रोवाइड किया आपको, जिससे कि आपको इसको राइड करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड बाकी आप ओवरऑल डिजाइनिंग वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको इसे की दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको TVS की प्रीमियम एक तरीके से वेव कीज मिल रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं। एंड जो इसमें मीटर कंसोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलता है, 5 inches का आप यहाँ पर आपको कलर TFT डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि आपको वर्टिकली देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही लगता है इसके ऊपर में। एंड यहाँ पर कुछ ऐसी आपको बार हैंडल मिल
जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पोर्टी क्लिप ऑन वाली है एंड क्रूज कंट्रोल इस बाइक के अंदर में आता है, जो कि एक तरीके से मैं कहूँ कि कार वाले फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम वाला स्विच मिल जाता है पासिंग का, एंड ये क्रूज कंट्रोल का स्विच है। यहाँ पर आपको हैजर्ड्स एंड यहाँ से आप सब टॉगल करके अपने मतलब मीटर कंसोल को एडजस्ट वगैरह कर पाओगे। बाकी एडजस्टेबल लीवर्स आपको मिल रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पर आपको हॉर्न, टर्न इंडिकेटर, उसी हिसाब से यहाँ पर आपको शेल्फ वगैरह देखने को मिल जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। एंड इस तरफ से अगर आप चेकआउट करिए तो यहाँ पर पूरा आपको वर्टिकल जो है डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पर चार मोड आपको मिलते हैं, रेन, अर्बन, ट्रैक, स्पोर्ट करके आपको चार मोड मिलेंगे जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आपको मोड मिल रहे हैं अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक करके जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी डिजिटली आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, कूलेंट टेम्परेचर एंड सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं मीटर में। उसी के साथ में यहाँ से अगर आप चेकआउट करिए तो आपको कनेक्टिविटी के फीचर्स मिल जाएंगे एंड उसके साथ में आपको कूलेंट टेम्परेचर वगैरह देख सकते हो आप एंड टाइम लैप वगैरह मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, कुछ शिफ्टर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। उसी के साथ में यहाँ पर आप देखो तो इस तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको जो ब्राइटनेस ना, इसको आप ऑटो एंड मैनुअल दोनों कर सकते हो। जैसे कि ऑटो आप कर दिए तो आप जैसे सनलाइट वगैरह में लेकर जाएंगे तो अपने हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी मैनुअली भी आप कर सकते हो। बाकी फुल डिजिटल मीटर जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ABS की लाइट, चेक इंजन की लाइट एंड उसी के साथ में यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। तो मतलब फीचर से भरा पड़ा है इसका मीटर कंसोल, जो कि आप देख ही सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें दे रहा है कि मतलब मज़ा ही आपको आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं TVS अपाचे RR310 के बॉमर ग्रे कलर के अंदर में। एंड अब इसके कंफर्ट के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर आपको 810 mm की सीट हाइट मिल जाती है, 180 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। तो सीट हाइट मतलब इतनी ज़्यादा भी कुछ नहीं कि आप इसको चला ना पाओ। बाकी अगर आप देखो तो यहाँ पर जो मतलब कंफर्ट है वो तो कहाँ ही आपको मिलेगा इसमें। एक स्पोर्ट्स बाइक है तो राइडर के लिए तो मैं कहूँगा कंफर्ट आपको अच्छा मिल जाएगा, मतलब बैठने के लिए स्पेस काफ़ी सही मिल जाता है। बट अगर आप पिलियन की बात करते हो ना तो वो मैं आपको दिखाता हूँ पास चलकर। तो यहाँ पर पिलियन के लिए स्पेस एक तरीके से मैं कहूँ बिल्कुल ही नहीं आपको मिल रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेप आपको मिल रहा है उसके साथ में। यहाँ पर आप सीट देखो तो स्पेस है ही नहीं एंड पकड़ने के लिए भी जो ग्रैब रेल दे रखे ना उतने कंफर्टेबल आप इनको नहीं पकड़ पाओगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। तो मतलब एक स्पोर्ट्स बाइक है तो उस हिसाब से चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको वेंट्स वगैरह मिल जाएंगे तो आप बाकी देख सकते हो। उसी के साथ में आप बात करते हैं इसकी प्राइसिंग से रिलेटेड तो इसका आपको प्राइस मिल जाता है, यानी कि बॉमर ग्रे कलर का जो आपको प्राइस है वो मिल जाता है 2,98,000 रुपीज़ का एक्स शोरूम। बाकी अगर आपको इसको परचेज करना है तो आप विजिट कर सकते हैं इंडिया TVS, जिसका पूरा एड्रेस आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ से आके TVS के किसी भी मोटरसाइकिल को परचेज वगैरह कर सकते हैं। सो दोस्तों कुछ जिसके ओवरऑल वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।